वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक स्पाइसी विद पवन पर। दोस्तों आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है, तो और हम हेल्दी वे से इसको बनाएंगे। पालक आयरन रिच होता है और ये हमारे खून बनाने में बहुत काम करता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आधा किलो पालक लिया, उसको 3-4 बार अच्छी तरह से साफ़ किया है ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए, और धोने के बाद उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो प्रेशर कुकर में हम इसकी कोई 3-4 सीटी लगवाएंगे, जिससे कि जिसके पालक के जो डंठल होते हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। तो ये देखिए कि अभी ये 3-4 सीटी लग गई है और हमारी जो पालक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है, गल गई है, और बिल्कुल भी पानी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला था, तो जो पानी पालक का है वो इसी के बीच में रहेगा। तो अच्छी तरह ये अभी हो गई है, और अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, और डालने के बाद उसका एक अच्छा सा हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ये जो कलर हमारी पालक ने दिया है, कलर भी बहुत बढ़िया है और अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो चुकी है। तो इस पालक को अभी हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने 1 प्याज 2 चम्मच बेसन, 2 टमाटर, कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेज पत्ता, 2-3 लाल मिर्च, मोटी इलायची, ये सब कुछ लिया है। तो इन सब का हम अभी यूज़ करेंगे। तो अभी एक गर्म पैन में हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको जो अच्छा लगे तेल आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 1 छोटा चम्मच इसके बीच में हम हींग का डालेंगे, फिर 1 छोटा चम्मच जीरे का डालेंगे, फिर 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, और 1 बड़ी इलायची जो हमने ली थी वो भी इसके बीच में डालेंगे, और थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे ताकि हमारा जो मसाला वो थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद इसके बीच में हम कटे हुए प्याज जो हमने लिए थे वो कटे हुए इसके बीच में प्याज डालेंगे, फिर 1 छोटा चम्मच अदरक पेस्ट डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो लहसुन का पेस्ट आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही रखें आप अदरक के पेस्ट से। उसको डालने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिला लें, और उसके बाद 2 कटे हुए जो टमाटर थे हमने, जिसकी हमने प्यूरी बनाई थी, वो अभी इसके बीच में हम डालेंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर अभी इसमें हम थोड़े से अपने मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में 2 छोटे चम्मच आप हल्दी डाल लीजिए, और 2 छोटे चम्मच आप धनिया पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, और 1 छोटा चम्मच आप मसाले का डालें। ये सब डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए ताकि जो मसाले हैं हमारे वो जले नहीं और वो भी अच्छी तरह से ये पक जाए। तो अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसको ढक के 2-3 मिनट तक पकाएं। जब तक ये पकता है आप दूसरे पैन में 2 चम्मच जो हमने बेसन लिया था उसको थोड़ा सा आप उसको भून लीजिए, और जैसे ही आपको खुशबू आए इसको गैस को बंद करें, और वो वाला जो बेसन है वो आप इसके बीच में डाल दीजिए। तो ये एक बड़ा ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इससे भी आपका जो स्वाद है जो पालक पनीर का बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको। तो ये आप ज़रूर बेसन जो है इसके बीच में डालना। और दूसरा ये काम ये करता है कि ये ग्रेवी को पकड़ के भी रखेगा और उसको ग्रेवी को थोड़ा सा थिक भी रखेगा। तो इसलिए आप बेसन ज़रूर डालें और एक बार ट्राई करें डाल के, और देखना कितना बढ़िया टेस्ट आता है। ये रेस्टोरेंट वालों का भी एक बड़ा सीक्रेट होता है, वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के अभी हमारी जो ग्रेवी है वो अभी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसके पकने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने पनीर के जो टुकड़े काटे थे, तो वो पनीर हम धीरे धीरे इसके बीच में अभी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि कोई पनीर का टुकड़ा हमारा जो है वो बीच में टूटे नहीं, और इसलिए बड़े आराम से उसको इसके बीच में डालें, और
डालने के बाद बहुत ही आराम से साइड में से होते हुए इसके जो पनीर है अभी हम उसको पलटेंगे, तो ताकि जो भी हमारी ग्रेवी बनी है अभी इसकी वो इसमें थोड़ी सी रस जाए पनीर में, और पनीर में भी ये सारे मसाले का जो टेस्ट है वो आ जाए। तो 2-1 मिनट तक आप इसको इस तरीके से पका सकते हैं, तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। और अगर आप ये देखें पनीर, तो पनीर में भी अच्छी तरीके से ये लिपट चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया अभी हमारा मसाला बना है। तो इसके बीच में अभी हम प्यूरी जो हमने बनाई थी पालक की वो अभी डाल देंगे, और डालने के बाद जो आपका जार में भी बचा हुआ लगा वो पानी डाल के इसमें थोड़ा सा हम इसको अभी अच्छी तरह से पकाएंगे। तो दोस्तों ये देखो कि हमारा जो इसका जो कलर है, कलर भी बहुत ही बढ़िया बन के आया, और ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। तो अब इसके बीच में एक छोटा चम्मच आप नमक का डाल दीजिए, और नमक अभी हमने इसलिए डाला क्योंकि हमें पता कि अभी इसकी ग्रेवी कितनी है और कितनी रहने वाली है, तो उसके हिसाब से आपने नमक डालना है। अगर आप पहले डालेंगे तो नमक का कोई आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा और नमक कम ज़्यादा हो सकता है। तब ये सब डालने के बाद आप इसको ढक लीजिए, फिर 2-3 मिनट के लिए पकाइए, और अब उसके बाद आपने इसके बीच में कसूरी मेथी डालनी है। तो कसूरी मेथी भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे आपकी जो ग्रेवी है वो उसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा। तो ये सब डालने के बाद आप इसको फिर 1-2 मिनट के लिए ढक दीजिए, और ढकने के बाद आप देखेंगे कि इसके बीच में बहुत ही अच्छी अभी खुशबू आ रही है, और लगभग ये हमारी अभी जो पालक पनीर है ये बिल्कुल अभी तैयार हो चुका है। तो अभी एक इसमें एक और चीज़ हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच आप मलाई का डालें, तो मलाई डालने के बाद डालने से भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट निखर के बाहर आता है। तो जब आप मलाई डालें तो मलाई डालने के बाद आपको 2-1 मिनट तक इसको ज़रूर पकाना पड़ता है, और अगर आप क्रीम डालें तो क्रीम के केस में नहीं है, क्रीम को आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें 1 छोटा चम्मच शहद का डाला है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट और सीक्रेट है। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो पालक पनीर है जब आप खाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना ही बढ़िया ये हमारी जो डिश अभी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको गर्मा गर्म परोसेंगे, तो इसके लिए अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। एक बाउल लें, उसमें ये थोड़ा सा करने के बाद थोड़ा सा 2-4 जो टुकड़े पनीर के हैं वो थोड़ा क्रश करके इसके ऊपर डालिए, और मेरे पास ये छोटी एक लाल मिर्च है गोल वाली, अगर आप के पास है तो उससे, नहीं तो किसी और चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये अभी पनीर बिल्कुल पालक पनीर हमारा तैयार है, तो अभी आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ये टेस्ट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप जो कमेंट्स करते हैं उससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है और अच्छा आगे करने का मन करता है, तो इसलिए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए करिए, और रेसिपी को पूरा देखना, और ताकि आप कोई भी चीज़ इसमें से कोई मिस ना करें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली रेसिपी में। तो धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।